हेलो दोस्तों, मोहम्मद आई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं जो ओरे स्कर्ट आती है उसकी कटिंग। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसकी दो नाप होते हैं, एक लंबाई, दूसरा कमर। तो दोस्तों, लंबाई इसकी 38 इंच है, कमर इसकी 30 इंच है। तो हम इसे किस तरीके से कटिंग करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कपड़ा है, ठीक है, जो कि लेंथ में है 2.5 मीटर, और इसकी जो अर्ज है, इसका अर्ज भी 50 इंच का अर्ज है इसका। तो हम इसे कटिंग कैसे करेंगे, तो देखिए आपको ये इस तरीके से मिलाना है, और मिलाने के बाद अगर इसका अर्ज कम भी है आपका 40 इंच के आसपास, तो भी आपकी सेम कटिंग होगी जैसे मैं कटिंग आपको बता रहा हूँ। आप इसे इस तरीके से मिलाएं, ध्यान रखेंगे ये किनारे वाला हिस्सा आपका इस तरफ में था और आड़े वाला हिस्सा आपका इस तरफ में था, ठीक है। ये करने के बाद आप इसे इस तरीके से मिला लें। और मिलाने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना होगा, बहुत ही ईजी मैं आपको बताऊंगा। आप इसे इस तरीके से रख लें जैसे ही मैंने रखा है, ये आपका ये वाला हिस्सा ओरे हो जाएगा पूरा। और यहाँ पे देखिए, ये हमारा कपड़ा है, ये 4 तह में हो चुका है। इसे अच्छी तरीके से आप बिछा लें, क्योंकि दोस्तों काउंटर पर कटिंग करनी दिक्कत होती है इसमें, तो ये मैं ज़मीन पर आपको कटिंग करके बता रहा हूँ। अब हमें क्या करना होगा, तो देखिए बहुत ही आसान तरीका ये आपको मैं बताऊँगा। इसके अंदर इसकी कमर 30 इंच थी, तो आप यहाँ पर इसे 7.5 इंच लेंगे, ठीक है, ये 7.5 लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान देंगे, यहाँ पे जो हमने ये आड़ापन जो कपड़ा था इसका निकाला है, ये आपका बिल्कुल एक बराबर आना चाहिए। अगर कपड़ा ज़्यादा आड़ा है तो आप उस कपड़े को पहले कटिंग करके सीधा कर लेंगे, जिससे कि चारों कोनों एक बराबर मिल के आने चाहिए। अब मिल के आने के बाद आपको क्या करना होगा, 7.5 हमने बताया था आपको, कमर 30 है तो 7.5 हमें लेना है। तो यहाँ पर एक निशान लगा लें, और निशान लगाने के बाद यहाँ से हम नापेंगे, ये आ रहा हमारा 11.5 पे, और इसको भी हम नापेंगे इस तरीके से। तो ये ऊपर की साइड में हम 10 या 11 इंच पे दे देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर हम ऊपर वाला हिस्सा कम रखते हैं तो हमारा जो नोक बनती है वो नोक नहीं बनेगी। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम इसे नाप लेते हैं, कमर 30 इंच है, तो हम इसे देखिए इस तरीके से, देखिए 7.5 आ रहा है। ये यहाँ पर आप इसे हल्की हल्की गोलाई दे देंगे, तो ये देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से इसे गोलाई दे दें। गोलाई देने के बाद आप इसे फिर एक बार नाप लें इंची टेप से, तो ये देखिए आपकी कमर पूरी आ रही है। हल्का फुल्का जो भी होगा वो दबाव में चले जाएगा, क्योंकि थोड़ा मार्जिन भी इसमें छोड़ते हैं हम लूज और टाइट करने के लिए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का मार्जिन रख भी सकते हैं आप आराम से। इसके बाद हमें क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है, आप इसे पहले कटिंग कर लेंगे गोलाई में। तो ये देखिए दोस्तों, आप इसे कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद आपको बेल्ट कितनी चौड़ी डालनी, सबसे पहले ये डिपेंड करता है। तो इसमें हम जो बेल्ट देंगे दोस्तों, वो हम बेल्ट देंगे 2 इंच चौड़ी, 2 या 2.5 इंच की चौड़ी। तो हम इसमें 2.5 इंच चौड़ी जब बेल्ट देंगे, तो जैसे हम 2.5 इंच चौड़ी बेल्ट देंगे और हमारा मार्जिन इतना जाएगा, तो हमें यहाँ से 2.5 इंच इस तरीके से रखना होगा। और यहाँ से हमारी जो लंबाई है 38, आप यहाँ पर 38 की जगह 38.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से आपको देखिए 2 इंच था, आपको यहाँ से फिर 2 करना है, और हल्का संची टेप ऐसे घुमाना है, और यहाँ पे 38.5 का निशान लगाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों, आप इस तरीके से करते हुए गोलाई में घुमाते हो, 38.5 का निशान लगाते चले आए एंड तक। तो ये देखिए दोस्तों, हमने निशान लगा लिया, इसे हम एक बराबर से मिला लेते पहले। और मिलाने के बाद दोस्तों, अब इसे हम करेंगे कटिंग। तो चलिए कैंची लें अपनी और इसे कटिंग करें। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा जो है, जो हमारी ओरे स्कर्ट है, ये कटिंग हो चुकी है। कटिंग होने के बाद हमारे पास ये कपड़ा बचता है खर्चे के लिए, जिसमें हम ऊपर 2.5 इंच चौड़ी बेल्ट लगाएंगे और नीचे का घेरा फिनिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ऊपर से कम लेने से ये आपकी गोलाई पूरी अच्छी तरीके से बैठेगी। अगर आप ज़्यादा डाउन कर देंगे तो यहाँ पे आपकी एक नोक बन जाती है। तो ये आपका ओरे स्कर्ट इस तरीके से,
ये आप देखें, ये आपकी ओरियो बिस्किट इस तरीके से कटिंग हो जाती है। बहुत ही इजी मेथड है। बस इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपका कपड़े का अर्ज कम है तो यहाँ पे नीचे की साइड में जोड़ लगता है और कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हम अपनी ओरियो बिस्किट कटिंग कर सकते हैं। और आने वाली वीडियो में इसकी मैं स्टिचिंग करके भी बताऊंगा बहुत ही ईजी तरीके से आपको, कि आप इसकी स्टिचिंग कैसे कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।